हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा आपका जो ई श्रम कार्ड है उसमें एड्रेस के लिए चेंज करना। अगर आपका जो ई श्रम कार्ड है वो उसमें आप अपना जो एड्रेस है वो चेंज करना चाहते हैं, पहले कहीं पर रहते थे आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो उसमें जो एड्रेस है वो हम कैसे चेंज करेंगे, तो मैं आगे इस वीडियो में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, अपने मोबाइल पे या फिर अपने कंप्यूटर पर जो क्रोम ब्राउजर होता है वो ओपन कर लेना है। तो मैं आपके लिए कंप्यूटर से इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बता रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने बाद इसमें हमें क्या लिखना है, ई श्रम लिखेंगे इसमें। ई श्रम लिखने बाद इसे क्या सर्च कर देंगे, सर्च कर देंगे तो इस कंडीशन से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लिए देखने के लिए मिलेगा ई श्रम होम, ई श्रम होम लिखा हुआ, हम इस पे क्लिक कर देंगे। ई श्रम होम पे क्लिक करने बाद इस कंडीशन से पेज वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा यहाँ से पहले इसके मुकाबले जो वेबसाइट है वो अपडेट हो गया है, पहले भी मैंने इस चैनल पर वीडियो डाली थी और उसके बाद जो वेबसाइट है वो अपडेट हो गई है। तो यहाँ से ये एक नया ऑप्शन आ गया है, जैसे कि यहाँ देखने को मिलेगा गो टू मेन पेज, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ये पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लिए देखने के लिए मिलेगा रजिस्ट्रेशन और ई श्रम, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, इसी के नीचे लॉगिन लिखा हुआ कैपिटल में, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस कंडीशन जो पेज है वो यहाँ से ओपन होने लगेगा। तो यहाँ से आपका पहले मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो आपका ई श्रम कार्ड में पहले लगा था वो, और आधार कार्ड पे भी लगा हुआ है मोबाइल नंबर, तो इसमें हम फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ से हमें कैप्चर कोड मांगा जाएगा, तो यहाँ से कैप्चा लिखा हुआ तो वो हम इसमें फिल करेंगे। यहाँ से कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी लिखा हुआ मिलेगा, सेंड पे क्लिक कर देंगे। सेंड पे क्लिक करने बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो वो यहाँ एंटर ओटीपी लिखा हुआ हमें इसमें फिल कर देना है। तो यहाँ से ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसमें क्या है आपके लिए, इसमें जो अपना जो नंबर होता है वो इसमें फिल कर देना है, आधार नंबर। तो यहाँ से जो आधार नंबर है वो हम इसमें फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से फिंगरप्रिंट। अगर आपके पास में फिंगरप्रिंट मशीन होती है वो है, तो यहाँ से अपने डिवाइस में कनेक्ट कर लेंगे, चाहे लैपटॉप या अपने मोबाइल में। उसके बाद यहाँ से आई स्कैनर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ओटीपी का भी मिल जाएगा। तो मेरे आधार पे यहाँ पर क्या है मोबाइल नंबर लगा हुआ, तो उससे ओटीपी में जो लेना पड़ेगा तो यहाँ ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो कैप्चर कोड है वो हमें इसमें फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाले कॉलम में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से, तो यहाँ से जो कैप्चर कोड है वो हमने इसमें फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या है, यहाँ रीसेट के बराबर हमें यहाँ पर बटन देखने को मिलेगा सबमिट का, तो यहाँ सबमिट लिखा हुआ है हम इस पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने बाद हमारे मोबाइल पे फिर से एक ओटीपी आएगा आधार कार्ड की तरफ से, तो आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी हमारे मोबाइल पे आ चुका है, तो यहाँ प्लीज एंटर करके लिखा हुआ है, तो हम इसमें ओटीपी है वो फिल कर देते हैं। तो हमने इसमें जो ओटीपी है वो फिल कर दिया है। तो यहाँ से वैलिड करके लिखा हुआ है हम इस पे क्लिक कर देंगे। वैलिड पे क्लिक करने के बाद इस कंडीशन जो यहाँ से पेज है वो यहाँ से ओपन होने लगेगा। थोड़ा यहाँ से पेज है वो ओपन हो गया, थोड़ा लोड लिया था, उसके बाद पेज है वो ओपन हुआ है, तो यहाँ से हम इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पर भी चेंजेस आ गया, पहले ऐसा जो हमारा प्रोफाइल था ऐसा नहीं खुलता था, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल करके लिखा हुआ है और पर्सनल पिक्चर करके, तो यहाँ से क्या है ये आधार करके इस पर लिख करके आ गया, तो ये इस वेबसाइट में पहले के मुकाबले चेंजेस हो गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो नीचे साइड दे रहा है अपडेट ई के वाई सी इन्फॉर्मेशन, तो हमारे लिए ई के वाई सी नहीं करनी है, तो पहले हमें इसमें ये ऑप्शन देखना है। इसमें ऊपर की साइड देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ प्रोफाइल लिखा हुआ हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसी में हमारे लिए एड्रेस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर एड्रेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से यस कर देंगे। यस कर देंगे तो इस कंडीशन से जो हमारा एड्रेस का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से रेजुलेशन करके लिखा हुआ है डिटेल, तो यहाँ डिटेल में हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा उत्तर प्रदेश कासगंज, उसके बाद यहाँ से स्टेट SBI, यहाँ पर खाली ऑप्शन छूटा हुआ है, उसके बाद करंट एड्रेस हमारा ये है, तो यहाँ रूलर पे लगा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एड्रेस यहाँ से शो हो रहा है। तो यहाँ से इसमें आप कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो यहाँ से एडिट करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एड्रेस पर मैं देख रहा हूँ यहाँ 44 लिखा हुआ है, मैंने इसे भी क्लोज कर दिया, तो यहाँ से ऐसे मनोटा लिखा हुआ है ये भी हटा दिया। तो यहाँ से कुछ भी अपडेट करना हो आपके लिए तो वो इसमें आपके लिए कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपके लिए दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप एक ही जगह रहते हो तो दोनों में सेम एड्रेस फिल कर देना है।
उसके बाद यहाँ से आप क्लिक क्या करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया हुआ तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, वरना इसे यहाँ से क्या है बैक कर देंगे। उसके बाद बैक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपके लिए लॉग आउट वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से आपके लिए क्या है अपडेट, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ तो यहाँ से हम इसे बैक करेंगे इसके बाद, और फिर से एड्रेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से यस करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे जो भी हमने उसमें जो कॉलम में जो 44 मकान संख्या लिखी थी वो हमने पहले क्या है डिलीट कर दी थी, यानी क्लोज कर दिया था, यानी हटा दिया था इस वाले कॉलम से। अब देखेंगे तो इसमें फिर से लिख करके आ गया है। तो यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं एड्रेस के बारे में। तो यहाँ से मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया हुआ कि मेरा एड्रेस सही है बिल्कुल इसमें। उसके बाद यहाँ से मैं इसे क्या है यहाँ से लॉग आउट लिखा हुआ इस पर क्लिक कर दूंगा, यस करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा क्या है ई श्रम कार्ड अब क्या यहाँ से लॉग आउट हो गया है। तो इस कंडीशन से आप अपने ई श्रम कार्ड में जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना।